टाहमीरा बाजार में नीलम सिनेमा के करीब पेट्रोल की एजेंसी में आग लग गई। आग ने 9 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। 3 दुकानें जल गई। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सामान जलकर राख। रमजानुल मुबारक से 6 हफ्ते कबल महंगाई धमाका। रिलीफ तो दरकिनार, दाल रोटी के भी लाले पड़ गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगे। अकबरी मंडी स्टॉक होल्डर्स ने अशिया खोरनोश में अज खुद महंगाई कर दी। दाल माश में 30 रुपए किलो इजाफा। बेसन 12 रुपए, दाल चना 15 रुपए, दाल मसूर 13 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च दाल मूंग की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। होशुबा महंगाई पर अवाम की चीखें निकल गयी। ज़खीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैक डाउन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से तवील मुलाकात। आवाम को रिलीफ देने और बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर मुशावरत। मस्तूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मियां असलम इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आला का कहना है कि आवाम को मस्तूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तनकीद की कोई परवाह नहीं, अवामी खदमत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई से अवाम को एहसास हो चुका कि तब्दीली आ गई है। कारोबार बंद है, मईशत तबाही के दहाने पर है। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मुशावरत नहीं कर रही। बरवक्त तैनाती ना हुई तो मामला कमेटी के सपोर्ट किया जाएगा। जब मुश्किल पड़ती है तो हुकूमत को ऑपोजिशन याद आ जाती है। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर बात ऐवान में होगी। सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगु। वज़ीर आज़म के एक्शन के बाद रिएक्शन। अरकाने पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर अमल दरामद रोकने का फैसला। मैं ना मान लेडी हेल्थ वर्कर्स की अना बरकरार। तीसरे रोज भी मॉल रोड पर डेरे। चटाइयां, दरियां और चादरें बिछाकर धरना। मुतालिबात का नोटिफिकेशन मिलने तक फैसल चौक से उठने से इनकार। तीसरे रोज धरने में सियासी रंग भी चमकने लगा। समीना खालिद घुरकी की कयादत में पीपल्स पार्टी के वफ की फैसल चौक आमर। हेल्थ वर्कर्स से इशारे यकजहती। समीना खालिद कहती हैं कि हुकूमत मुतालिबात जबानी कलामी नहीं अमली तौर पर पूरे करे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ खातीन जैसा ही सलूक किया जाए। चीज पे वो करना चाहती हैं, अगर आपको पता चला कि किस चीज पे करना चाहती, जो जो डिमांड थी वो आपके सामने गिन के मैंने सारी बता दी। हूँ मैंने समझ नहीं आती मुजाकरात किस चीज़ से मैं करा कि तुझे उठना है, बैठना है, करना, खड़े होना है। वो कहते हैं असी बहना, मैं कुछ बह जाओ तो अन पता सी तो किसी ने मना ही नहीं कर दे। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं इलाज नहीं कराना, उसके ना कराओ। उन्होंने कहा मैं इलाज कराना, उसके करा लो। मतलब असी अब हम तो उस तरह के लोग हैं जो किसी को तंग किए बगैर, परेशान किए बगैर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबके मसले मसाले। तमाम मुतालिबात मान लिए, फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? हेल्थ वर्कर्स से उठना है उठ जाएं, बैठना है बैठ ही रहें। वज़ीर सेहत का 2 टोक मौकफ। कहा सियासत में जिंदा रहने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल भी मैदान में आ गए। धरने में शरीक 2 खातीन सियासी अज़ाइम रखती हैं। उनके मुखालिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुकात हैं। मुल्क नाजायज मुतालिबात मानने का मुतहम्मिल नहीं। मुस्तकिल करें और अलाउंस बढ़ाओ। सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। हुकूमत को मुतालिबात पूरे करने के लिए 28 मार्च तक की डेडलाइन। अदम मंजूरी पर सेक्रेटेरिएट चौक में 2 रोजा धरने का ऐलान। 1 अप्रैल से क्लासों के बायकॉट की धमकी। 1 तंजीम का एहतजाज तो दूसरी तंजीम के मुज़ाकरात। पंजाब टीचर्स यूनियन के वज़ीर तालीम मुराद रास और उसके साथ मुज़ाकरात। असातिज़ा को उनके मुतालिबात जल्द पूरे करने की यकीन दहानी। मुतालिबात की अदम मंजूरी। पेफ पार्टनर स्कूल का 27 मार्च को तमाम इजलास में एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एसोसिएशन का इजलास, अहम फैसले मुतवक्के। नए दाखिलों की इजाजत न मिलने पर धरने की धमकी। रिहाई के अरमा आंसुओं में बह गए। काले चश्मे से लाल दुपट्टे तक का स्टोरी का दी एंड। गैर मुल्की हसीना ट्रेसा को मनुष्यात स्मगलिंग केस में 8 साल की कैद सजा।
सेशन कोर्ट के मुजरिमा को 1,13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा। फैसला सुनकर मॉडल ट्रेसा रो पड़ी। अदालत का फैसला हकायक के बरक्स करार दिया। शरीक मुलजिम हफीज शक की बुनियाद पर बरी। कस्टम हुकाम ने मुलजिमा को 8 किलो हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। सानहा साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के बैनर्स उतारने का भड्डा। जिला इंतजामिया और पीएचए में सर्द जंग। पीएचए ने आगाही बैनर्स उतार दिए। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम मुतासर हो रही है। डिप्टी कमिश्नर सवाले सईद का डीजी पीएचए को शिकवे से भरा खत। डीजी पीएचए फैसल जहूर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कोई बैनर्स या स्टीमर नहीं उतारे, तमाम बैनर्स सड़कों पर मौजूद हैं। डीजी पीएचए का जवाबी मुरासला। पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज का मामला। जमीयत के कारकुनों ने वाइस चांसलर के इमाम पर तशद्दुद किया। डॉक्टर नियाज अहमद का जमीयत से ताल्लुक है। ट्रांसपोर्ट के मसले पर एहतजाज करने वाले तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्ट फंड्स की मद में तलबा से 15 करोड़ लिए जाते हैं, मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। तलबा का इल्जाम, तशद्दुद करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा। सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम मोड़। जीआईटी की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से 2 घंटे तक पूछगछ। अवामी तहरीक के लोगों को मॉडल टाउन क्यों बुलवाया गया था? ताहिरुल कादरी के वतन वापस आने पर बंदोबस्त किया है, ये बात आपने कही। खान बेग की तब्दीली, मुश्ताक सुखेरा की तैनाती की वजूहात बताएं। बतौर वजीर आजम सानहा मॉडल टाउन के गैर जानबदार जीआईटी क्यों न बनाई गयी? कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की फौरी खदमात पंजाब के क्यों सपोर्ट कर दी गयी? साबिक वजीर आजम से 25 सवाल। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, कल भी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें और पूरी कौम को नवाज शरीफ की जरूरत है। दुआ है कि वो जल्द सेहतमंद हो जाएं। अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करती हूं। मरियम नवाज का ट्वीट। पहले मरियम नवाज, बाद में शहबाज गिल, ट्विटर पर आमने सामने। कल तक तो आप कह रही थी कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब मुलाकात का दिन आया तो आप खुद लोगों को मुलाकात से रोक रही हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का जवाबी ट्वीट। साबिक वजीर आजम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं शहबाज गिल। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब और वफाकी हुकूमत से 4 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। हतमी फैसले तक नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करार दी जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा, मामला अहम नौइयत का है, लार्जर बेंच भी बनाया जा सकता है। जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का नाम ECL से निकालने के लिए भी दरख्वास्त आई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का PKLI का दौरा। अस्पताल इंतजामिया के साथ इजलास, मैनेजमेंट और सीनियर डॉक्टरों की शिरकत। सूबाई वजीर सेहत का PKLI को शौकत खानम अस्पताल की तर्ज पर चलाने का ऐलान। कहा, डॉक्टर्स के तहफ्फुजात दूर करेंगे, बाहर से भी डॉक्टर्स लाएंगे। गरीब मरीजों को सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गांव में मियां मीर अस्पताल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर सवाले सईद ने लिबर्टी में पौधा लगाया, दीवारों पर पेंटिंग भी की।
सड़कों की कुशादगी, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट पर रिक्वायर की गई राशि पर तामीरात के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दर्दे सर बन गई। कमर्शियल इमारतों की सैकड़ों दरख्वास्तें अल्तवा का शिकार होने का इंकशाफ, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तजावीज तलब कर ली। पंजाब 1500 अरब रुपए का मकरूज है, हमें फैसला करना है कि मुल्क को टैक्स से चलाना है या कर्ज से। टैक्स सबको अदा करना होगा, साबिक हुकूमतों के कर्जे अदा करने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। सूबाई वजीर तजारत नियाज अहमद इकबाल का ताजिरों से खताब, ट्रेडर्स अलायंस के वफद की भी सूबाई वजीर से मुलाकात, FPR के छापों और दीगर मसाइल से आगाह किया। सानहा न्यूजीलैंड के शोहदा और अहले खाना से मसीही बरादरी का इजहार यकजहती, इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री चर्च बिहार कॉलोनी में शोहदा के लिए दुआया तकरीब, शमें भी रोशन की गई। सूबाई वजीर एजाज आलम और तर्जुमान वजीर अला शहबाज गिल की शिरकत, मसीही बरादरी की बड़ी तादाद भी शरीक। डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई, पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा के साथ डकैती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को पकड़ने के लिए डॉल्फिन पुलिस ने कैनाल रोड को ब्लॉक किया, डाकू ने नहर में छलांग लगाकर भागने की कोशिश की। लिटन रोड पुलिस की कार्रवाई, जुबैर और जुबैर नामी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिलें और मास्टर चाबियां बरामद। नेस्टर कॉलोनी पुलिस ने दौराने चेकिंग ऑटोमेटिक राइफल बरामद कर ली, मुलजिम गिरफ्तार। IMF के 3 रुकनी वफद का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा, चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मेहमान को तफसीली ब्रीफिंग। जावेद अहमद बोले, सियासी दबाव की वजह से डॉक्टर्स और वकला को टैक्स नेट में शामिल करने में दुश्वारी का सामना है। PRA के टैक्स नेट में 62,000 टैक्स गुजार मौजूद हैं, 25,000 नए टैक्स गुजारों को शामिल करवाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलाविस मुजरिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। मुलजिम गुलाम बारी ने 2007 में अपनी बीवी, ससुर और 2 सालों को कत्ल किया। SP CIA उस्मान एजाज बाजवा की प्रेस ब्रीफिंग, मुलजिम से असलहा, 1,430 अमरीकी डॉलर, 700 यूरो और 5 लाख रुपए बरामद। MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तुफैल तब्दील, सीनियर जनरल मैनेजर महमूद जिया MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी तैनात, 2 सीनियर अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सरदार एजाज जाफर की ग्रेड 22 में तरक्की, चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की भी ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी। डेफ क्रिकेटर्स का मुतालिबात के हक में एहतजाज, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में धरना, डेफ क्रिकेटर्स के लिए नए आइन का मुतालिबा। PCB और डेफ क्रिकेटर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म करने का ऐलान। PCB मुअत्तल, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अप्रैल में कराएगा, नया आइन बनने तक मौजूदा बॉडी अपना काम जारी रखेगी, मुज़ाकरात में फैसला। तब्दीली सरकार में गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के मंसूबे नजरअंदाज, शहर में 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर भी बुज़दार सरकार गैर संजीदा रही। महकमा खजाना ने तामीर के लिए फंड्स रोक लिए, तामीर और मरम्मत के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। ऐवान इकबाल में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद, तकरीब में सेनेटर वलीद इकबाल ने बतौर मेहमान खसूस से शिरकत की। तलबा की जानिब से मिले नगमे और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से टैबलोज पेश किए गए, जिसे शुरका ने खूब सराहा। द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए एक और मुश्किल, प्रोड्यूसर बिलाल लाशारी को कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करने का इकदाम, अदालत में चैलेंज। बिलाल लाशारी ने गैर कानूनी तौर पर कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करवाया, दरख्वास्त गुजार का मौका। तालिबात अब बास्केटबॉल गेम्स में भी महारत दिखाएंगे, 8 साल बाद पंजाब गेम्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की 18 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया।